الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البراري والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز السامعين الكرام पूरी मोहब्बत के साथ शौक के साथ उल्फत के साथ प्यार के साथ अदब के साथ एहतराम के साथ इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हाज़रीन किराम, जैसा कि आप हजरात जानते हैं, हमारा जो उन्वान है दीन की फजीलत और उसकी अहमियत और उसकी खुसूसियत पर, क्योंकि दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हज़रात उलमाए किराम की फ़िक्रों का जितना नतीजा निकलना था वो नहीं निकल रहा है। इस्लाही काम के बाद उम्मत में जितना और जैसा इनकलाब आना था वैसा इनकलाब नहीं आ रहा है। लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, काम को, मेहनत को, दावत को, तबलीग को छोड़ भी नहीं सकते, बल्कि मैं और एक जुमले का भी इजाफा कर दूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात कि काम को, मेहनत को, दावत को, तबलीग को और कौम को छोड़ भी नहीं सकते।
अल्लाह का फरमान है कि मेरे बंदों, तुम काम करते रहो, तुम्हारी नज़र नतीजे पर ना हो, तुम्हारी नज़र काम पर हो। नतीजों का मैं मालिक हूँ। अगर नतीजे पर नज़र होती तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले इस ज़मीन में मायूस हो जाते। 950 साल की इस लंबी ज़िंदगी में मुकम्मल दावत का काम करके नतीजा सिर्फ 120 का निकला। पैगम्बरे दो आलम, रहमते दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, गौर से सुनिए एक एक पॉइंट को कि आका सल्लल्लाहु अलैहि व तस्लीम की ज़ात अक़दस को कौन नहीं जानता और पहचानता। आप नबुव्वत में कामिल, आप इल्म में कामिल, आप अमल में कामिल, आप हुस्न में कामिल, आप ताकत में कामिल, आप अकल में कामिल, आप मेहनत में कामिल, आप दावत में कामिल, आप तबलीग में कामिल, बावजूद इसके कि 10 साल नहीं 13 साल मक्के मुकर्रमा में मेहनत करते रहे लेकिन नतीजा बहुत कम निकला। फुतुहात का दरवाज़ा, आसानियों का दरवाज़ा, सहूलतों का दरवाज़ा, जौक दर जौक ईमान में दाखिल होने वालों का दरवाज़ा मदीने मुनव्वरा से शुरू हुआ। इसलिए हम दावत को छोड़ नहीं सकते, मेहनत को छोड़ नहीं सकते, तबलीग को नहीं छोड़ सकते और कौम को भी नहीं छोड़ सकते। नतीजे निकले या ना निकले, कौम जब तक रहेगी मेहनत तब तक रहेगी, कहने वाले जब तक रहेंगे मेहनत तब तक रहेगी। नबुव्वत के बाब में एक बात आती है, तवज्जो से सुने। एक नबी को एक वक्त नहीं दिया जाता कि इतनी वक्त तक आप काम करो, उसके बाद आप फारिग हो जाओ। मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़िंदगी का एक सेकंड भी बाकी रहे उस वक्त तक मेहनत करना अंबिया के लिए वाजिब था। أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي حضرت يعقوب عليه السلام موت के करीब पहुंचे, बिस्तरे मर्ग पे पड़े रहे, चंद सेकेंड जिंदगी के बाकी थे। पूरी औलाद घेर कर अब्बा के सामने बैठी है। हजरत याकूब उस वक्त भी दावत का काम और फिक्र का काम, तबलीग का काम करते हैं और पूछते हैं, ए मेरे बच्चों बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। जो फिक्र हज़रात अम्बिया के साथ लगी थी, बल्कि फ़िक्र हज़रात अम्बिया की ज़िंदगी का एक हिस्सा था, बिल्कुल इसी तरीके से वही फ़िक्र हज़रात उलमा की भी है। उलमाए किराम इसी फ़िक्र का दामन थाम कर कौम के सामने रहते हैं, चाहे नतीजे निकले या ना निकले, क्योंकि हिदायत का मालिक कोई मौलवी नहीं है, हिदायत का मालिक कोई वली नहीं है, हिदायत का मालिक कोई गौस नहीं है, हिदायत का मालिक कोई इमाम नहीं है, हिदायत का मालिक कोई शहीद नहीं है, हिदायत का मालिक कोई ताबिई व तबे ताबिई तो दूर की बात, हिदायत का मालिक कोई नबी भी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, काम करना तुम्हारा काम है, हिदायत देना मेरा काम है।
वही काम अबू बकर पर भी हुआ, वही काम उमर पर भी हुआ, वही काम अबू लहब पर भी हुआ, वही काम अबू जहल पर भी हुआ। काम कर रहे थे प्यारे आका, नतीजे निकले क्या? अबू बकर को हिदायत मिली, उमर को हिदायत मिली, उस्मान को हिदायत मिली, दीगर अस्हाब को हिदायत मिली। वही काम था, कोई खियानत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुई, कोई खियानत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुई। लेकिन बावजूद वही दावत, वही मेहनत, वही तबलीग, वही कुरान, वही शरीयत पहुंचाने के बावजूद अबू जहल हिदायत से महरूम रहा, अबू लहब हिदायत से महरूम रहा। अरे ये बात समझ में अरे अरे नहीं अरे अंबिया से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा तक एक ही कानून है कि काम करते रहो, बोलते रहो, यही तुम्हारा काम है। नतीजों पर तुम्हारी नज़र न रहे, दावत को ना छोड़ो, तबलीग को ना छोड़ो, बयान को ना छोड़ो, फिक्र को ना छोड़ो, और कौम को भी ना छोड़ो। कौम तुमको छोड़ दे ये अलग बात है, ऐ उलमाए उम्मत मुहम्मदिया तुम भी कौम को मत छोड़ो। अम्बिया हो के उलमा जब कौम को छोड़ हैं तो दुनिया ही में किसी ना किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं। दूसरे लोग काउंसलर कौम को छोड़ दे कोई फर्क पैदा नहीं होगा, एमएलए कौम को छोड़ दे कोई फर्क पैदा नहीं होगा, एमपी कौम को छोड़ दे कोई फर्क पैदा नहीं होगा, सीएमओ पीएम छोड़ दे, सदर और सेक्रेटरी छोड़ दे कोई फर्क पैदा नहीं होगा। और हकीकत यह है कि ये लोग पकड़े भी नहीं है कौम को, लेकिन अंबिया या उलमा जब कौम को छोड़ देते हैं मायूस होकर, अपने फर्ज को छोड़ देते हैं मायूस होकर। दोस्तों उलमा बैठे हैं, बात दूर तक जाएगी, असातजा तक जाएगी, अकाबिर तक जाएगी, बात मुस्तनद है, पक्की है, सही है। अंबिया हो के उलमा जब कौम को छोड़ देते हैं तो दुनिया ही में किसी ना किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मायूस होकर कौम को छोड़कर अल्लाह से पूछे बगैर निकले, मछली के लुकमे बनने की मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम कौम को छोड़कर निकले, दरख्त के अंदर छुपे, आरा आरा के शिकार हो गए। इसीलिए पैगंबर भी बहुत तकलीफ उठा रहे थे मक्के में, सहाबा को इजाजत दिए तुम अगर जाना चाहते हो तो मक्का छोड़कर जाओ। कहाँ जाना या रसूल अल्लाह? आखा ने निगाह नबूवत डाली, सारी दुनिया अल्लाह ने समेट कर प्यारे आखा के सामने रख दिया तो मुल्क शाम का माहौल बड़ा अच्छा नजर आया। आखा ने मक्के में रहते हुए सहाबा इकराम को मुल्क शाम जाने की इजाज़त दी। हजरत अली के भाई हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब ये पहला काफिला और पहली हिजरत के सरदार थे जो मक्के से निकल कर मुल्क शाम गए। जो तकलीफ उस वक्त हिजरत करने वाले सहाबा को थी उससे ज़्यादा तकलीफ पैगंबर को मक्के में थी, और हिजरत की जो ज़रूरत मक्के के उस वक्त के मुसलमानों को जितनी थी उससे ज़्यादा हिजरत की ज़रूरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। और निगाह नबूवत से प्यारे आका ने सारी दुनिया के अंदर माहौल को अगर किसी मुल्क के अंदर साजगार पाया, मुल्क शाम का पाया, प्यारे आका जा सकते तो जा सकते थे, लेकिन एक नबी को कौम को छोड़कर जाने की इजाजत नहीं जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आए। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही है? बार बार अबू बकर आते थे हुजूर की खिदमत में, या रसूल अल्लाह सब जा रहे हैं हम भी जाएं, या रसूल अल्लाह सब जा रहे हैं मैं भी जाऊं। उन्वान वही है, दीन की अहमियत और हकीकत मुकदमा बता रहा हूं। क्या हजरत वो उन्वान क्या? नाना को नवासा खांसना सिखाया करते,
नाना को नवासा खास ना सिखाया करते, हम ना तकरीर सिखा रही लोगा। पच्चीस साल से शुगर की वो दवा खा रहा, डॉक्टर को पूछा नहीं गुग्गू वो दवा क्या बोलकर, हार्ट की वो दवा खा रहा है, अहमक पूछता नहीं वो दवा क्या, जब तकरीर आती वो उनवान क्या। तू सुधर जा, उनवान बदल देता हूँ, मुल्क के माहौल को सुधार दे, इंशाल्लाह उनवान बदल जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, 23 साल से खिदमत में लगा हुआ है ये आजिज। हमारे अकाबिर तो अपनी जिंदगियां सर्फ करके खर्च करके खबरों के आगोश में इस वक्त मौजूद हैं। हकीकत ये है कि आपके सामने दीन के एक करोड़ शोबों में एक शोबा भी नहीं आया। हमें भी ख्वाहिश है, लाखों उनवानात पड़े हैं किताबों के अंदर, लाखों वाकियात पड़े हैं लाख किताबों के अंदर। दो ही बातें हैं, आप अच्छा समझे कि बुरा समझे, आपको पसंद आए कि ना आए, आप राजी हो कि नाराज हो, दो ही बातें हैं। एक तुम्हारी हालतें दूसरे उनवान की तरफ जाने नहीं देते, दूसरा मुल्क की हालतें दूसरे उनवान की तरफ जाने नहीं देते। वरना मेरे दोस्तों, शरीयत मुहम्मदिया एक समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। कुरान बहरे बेकरार है जिसका कोई साहिल नहीं। कुरानी वाकियात खत्म ना होंगे अगर बयान करें, अहादीस के वाकियात खत्म ना होंगे अगर बयान करें, निकात ख़त्म ना होंगे अगर बयान करें। पैगंबर की ज़िंदगी का इख्तिताम ही नहीं है, सीरत के उतने लाख गोशे हैं, फिर अनगिनत सहाबा किराम की ज़िंदगियां हैं, जाने नहीं देते। दिल चाहता है कि हम ऐसे ऐसे सहाबा के वाकियात, ऐसे ऐसे सहाबा के खिदमात, ऐसे ऐसे सहाबा की कुर्बानियां और उनकी शहादतें और उनकी बेमिसाल ज़िंदगियाँ आपके सामने बयान करें। लेकिन दो बातें हैं, एक आप बदलते नहीं, दूसरे मुल्क के हालात बदलते नहीं। हर दिन आपका बिगाड़ हमारे सामने आता है और हर लम्हा मुल्क का बिगाड़ सामने आता है, तो इसलिए हमको दूसरे उनवान की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलता। जवाब दो मेरे भाइयों कि तुम क्या फजाइल और मसाइल तक पहुंचेंगे। अभी हमारा अब तक का ईमान बराबर सही नहीं हुआ है। ईमान सही नहीं हुआ है, क्या फजाइल तक जाएंगे, क्या मसाइल तक जाएंगे। गर्ज दावत को नहीं छोड़ सकते, तबलीग को नहीं छोड़ सकते, कौम को भी नहीं छोड़ सकते। ख़ास तौर पर दो जमातें, एक अंबिया की जो मुकम्मल हो चुकी हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन हैं। बात आ गई तो अर्ज़ करता हूँ, मेरे उस्ताद का हुक्म भी है, देख बा कभी हर जुमा हो के हर बयान कोई ना कोई ख़त्म नबूवत का जुमला आ जाए, हज़रत की दुआ है तो आ जाती है। अब तक ख़त्म नबूवत का अकीदा उम्मत को समझ में नहीं आया है। परसेंटेज और फ़ीसद बयान करते हुए डर होता है, लेकिन हकीकत ये है कि तकरीबन उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसको इस बात का इल्म नहीं है कि मेरे आका आखिरी नबी हैं। नबी हैं ये इल्म हो सकता है, आखिरी नबी हैं ये इल्म नहीं है। याद रखो, नबी पर
जान कुर्बान कर दो, नबी पर माल कुर्बान कर दो, नबी की मोहब्बत की इंतहा को पहुँच जाओ। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की इंतहा को पहुँच जाओ। आप पर अपनी जान, अपने बीवी बच्चों की जान, अपने माँ बाप की जान कुर्बान कर दो। जिस्म के खून का एक एक खतरा आपके नाम कुर्बान कर दो, और दौलत का एक एक पाई और पैसा कुर्बान कर दो। रब्बे काबा की कसम, उस वक्त तक आप मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि ये अकीदा ना हो कि मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं है। आखा के बाद कोई नबी नहीं है। अभी से तुम्हारे और हमारे बच्चों के जहन में ये बात डालना है, डालना है। उन्वान का सफर आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला तमाम बातें बताऊंगा। वही तो उन्वान है, समझते जाओ प्यारो। दो जमातों को, कौम को छोड़ने की इजाजत नहीं। एक अंबिया की जमात, एक उलमा की जमात। मुल्क शाम की तरफ हिजरत की इजाजत नबी दिए, लेकिन मक्का नबी नहीं छोड़े। आकर इजाजत पूछते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनु, या रसूलल्लाह मैं भी हिजरत करूं। नबुवत की जुबान अंदर से बोलती है, अबू बकर एक ऐसी मोहब्बत हो कि दावा मोहब्बत का करते हो और माशूक को छोड़कर जाते हो। मक्का इजाजत पूछ ले, महबूब बकर इजाजत मिल जाएगी सिवाय तुम्हारे। पूरा मक्का पूछ ले इजाजत, सबको इजाजत मिल जाएगी, अबू बकर तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। हमें होते तो कहते हो रसूलल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश ही ये है अलियाज़ बिल्लाह कि मैं मार खा खा के मर जाऊं, मैं भी तड़पता रहूं। लेकिन ये अबू बकर की फिरासत है। अबू बकर ने समझा कि पैगंबर के इस फरमान का राज ही कुछ और होगा। जब बार बार आकर पूछने लगे तो अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से कहा कि अबू बकर आज के बाद सवाल न करना, हिजरत को, हिजरत तो तुमको भी करना है, तन्हा नहीं मेरे साथ करना है। फिर अबू बकर ने पूछा नहीं। जमात जमा जा रही है मुल्क शाम की तरफ, लेकिन अबू बकर ने पूछा नहीं, रसूलल्लाह मैं कब। इसे बोलते जब अल्लाह का हुक्म आया कि ऐ मोहम्मद अब आपको भी हिजरत की इजाज़त है, अब छोड़ दो मक्के को, छोड़ दो। कहाँ जाना? मदीना जाओ। तब अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर के पास गए। रात का एक हिस्सा गुजर चुका था, लिखा है सीरत में, उलमा बैठे हैं, एक हिस्सा रात का गुजर चुका था। एक हिस्सा गुजरने का मतलब क्या है? रात का एक हिस्सा गुजरने का इस वक्त मतलब है 11 और 12 के बीच का वक्त, रात का एक हिस्सा। हमारी जिंदगियों में तो रात के 11-12 का हिस्सा गुजरना तो दूर की बात, शुरू च नहीं होता रात। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। खा लिया क्या हजरत? 11 बजे फोन करता, खा लिया भाई? इतना जल्दी खा लिए? 11 बजे खाए थे, पूछा इतना जल्दी खा लिए? अब इसके बाद खाने का हुक्म सहरी का होता है प्यारे।
अभी हफ्ता भर मुताला चलते रहता है, बड़ा अच्छा जुमला पढ़ा अकरम, बड़ा प्यारा जुमला पढ़ा, नोट करके रख लिया। खुदा करे कि आपको बात समझ में आ जाए, खुदा करे कि आप उस पर अमल कर ले। जहाँ तक जाती है बात वो सुन ले, और जहाँ तक जाती है वो बात अमल कर ले। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में आती है बात, जो रात को सोता नहीं वो दिन में काम के लायक होता नहीं। दिन भर हमें घुग्गुआ, जो रात को सोता नहीं वो दिन में काम के लायक होता नहीं। चाहे वो काम दीन का हो, चाहे वो काम दुनिया का हो, रात में न सोओगे तो फिर दिन में किसी काम के लायक नहीं। और ये इनकार भी नहीं कर सकते कि मौलाना बात गलत है, इकरार करना पड़ेगा। रात को जागने वाले दिन में चुस्ती और फुर्ती के साथ काम के लायक नहीं होते, चाहे वो दीन का काम हो, चाहे वो दुनिया का काम हो। 11-12 तो रात का तीन हिस्सों में से एक हिस्से के गुजरने का वक्त होता है प्यारे। सूरह साफ़ात की तफसीर में आता है कि बंदे रात के अव्वल हिस्से में सो जा, सुबह के पहले हिस्से में मैं तुझे उठाऊंगा। फिर से जुमला सुनते जाओ, तफसीर उठा कर देखो। वस्साफ़ाति सफ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा। हाँ, नहीं अमल करेंगे आप लोग, मुझे मालूम है। दूर के तो दूर की बात है, करीब के भी लोग आज अमल से दूर हैं। कोई सलमान खान का फैन है, कोई आमिर खान का फैन है, कोई शाहरुख खान का फैन है, कोई सनी देओल का फैन है, तो कोई मुज़म्मिल का फैन है। बस यही फ़र्क है फैन का। सलमान खान का फैन वो खुद एक एक्टिंग नहीं करता, एक्टिंग देखता है। बिल्कुल इसी तरीके से मुज़म्मिल का फैन तकरीर सुनता है, अमल नहीं करता। गलत बोल रहा हूँ, दिल टूट गया, सॉरी। सच बोल कर सर कटा दूंगा, माफी नहीं मांगूंगा। मेरे अकाउंट में सिवाय अल्लाह के दरबार के, मेरे असातजा, मेरे वालिदैन के और हक के अलावा किसी और के लिए माफी है च नहीं। हज़रत मैं तुम्हारे सिलसिले में फला साहब से बात करया। हज़रत उन्हों भी तुमने बात करना चाह रही, उनका दिल टूटिया करते तुम्हारी तरफ से, एक सॉरी लिख डालो हज़रत में सज में। 20-3 साल में जो रुकू जब तक बोलिया नहीं। दीन पेश करके किसी का दिल टूटता है, रब्बे काबा की कसम मुझे परवाह ही नहीं। नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। हक बयान करके किसी का दिल टूटता है, मुझे कोई परवाह नहीं। ना हक में अगर किसी का दिल टूटा तो फिर पेश कर दो कि मौलाना आपसे शरी तौर पर यह गलती हुई है, तो ज़रूर हम माफ़ी मांग लेंगे। वरना सवाल ही पैदा नहीं होता प्यारे। हम सर कटाना जानते हैं, सर झुकाना नहीं। तकरीरों को भी बुलाते सो अजीब सरदार को बुला रहे आजकल। हज़रत तुम्हारा बयान हमारे मोहल्ले में पसंद करती, लेकिन तुम्हें है ना मोदी जी को क्या भी नहीं बोलना, आई लव यू बोल सकता हूँ क्या? पूछा दीवाने। इतना डरे जालिम से डरने वाला फर्द या जालिम से डरने वाली कौम की नस्ल
नाम मर्द होती है। यह काबिर का खौल है, ये शुहदा के अखवाल में। हमारी नस्लों को अगर बाहिम्मत बनाना है, बहादुर बनाना है, तो इस वक्त के जुल्म और जालिमों के खिलाफ हमें आवाज उठाना है, आवाज। जेलों की धमकियों से, फांसियों की धमकियों से, मौत की धमकियों से डरने वाले इंसानों का ईमान नाम का होता है, नाम का। साफ साफ बात, सबके जो फैन होते हैं वैसे ही आजकल किसी किसी एक मौलवी का कोई फैन होता है, कोई एसी होता है, कोई पंखा होता है, लेकिन सुनने तक ताल्लुक है, अमल करने तक की ताल्लुक नहीं है। बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की आ गई तो मुकदमे से पहले अटका हुआ हूं, और अल्लाह की कसम इस पर अमल करो प्यारो, इस पर अमल करो, अमल करो। वसाफाती सफा, फजर की नमाज में पहली सफ में खड़कर नमाज पढ़ने वालों की अल्लाह कसम खा रहा है, और अल्लाह मामूली चीजों की कसम नहीं खाता, और अल्लाह को कसम खाने की जरूरत भी नहीं। एक सहाबी ने तलवार निकाल ली, जब आयत कस्म या कस्मिया जुमले या कस्मिया हरूफ नाजिल होते तो बार बार सहाबी को गुस्सा आता, या रसूल अल्लाह कौन है जिसे समझाने के लिए अल्लाह को कसम खाना पड़ रहा है। अल्लाह का सादा कलाम भी करोड़ों कसम से ज्यादा ताकीद है। लाउक्सिमु, अल्लाह को कहने की क्या जरूरत है या रसूल अल्लाह, ये वो उस मकाम तक पहुंचकर ही कोई अल्लाह का बंदा कह सकता है, और सहाबा के मकाम से बढ़ती अंबिया के बाद किसी का मकाम नहीं है। आज वो सहाबा के मकाम पर भी अवाम और खवास तबसरे कर रहे हैं। यजीद हक पर था कि हुसैन हक पर थे? सवाल सही है, इंशाल्लाह इस पर बात करूंगा, चंद जुमे जाने दीजिए। यजीद हक पर था कि हुसैन हक पर थे? सवाल सही है, पढ़ा नहीं इसलिए सवाल कर रहा है। नबी का नवासा ना हक पर हो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर भी जानता नहीं। लेकिन ये सवाल कभी न करना, अली हक पर थे कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हक पर थे, ये तुम्हारे ईमान को गारत करने वाला सवाल है। अम्मा आयशा हक पर थी या हजरत अली हक पर थे, ये सवाल तुम्हारे ईमान को बर्बाद करने वाला सवाल है। तिलका उम्मतुन खद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, ये वो लोग हैं जो काम करके चले गए हैं, उनको अपनी जिंदगियों का हिसाब अल्लाह को देना है, तुमको तुम्हारी जिंदगियों का हिसाब अल्लाह को देना है। तुम्हारी जिंदगियों के बारे में अल्लाह उनसे सवाल नहीं करेंगे, उनकी जिंदगियों के बारे में अल्लाह तुमसे सवाल नहीं करेंगे। जब सवाल ही नहीं होगा तो फिर तबसरा किस बात का, सवाल ही नहीं होगा बहस किस बात की, सवाल ही नहीं होगा जजमेंट किस बात का, सवाल ही नहीं होगा तो फैसला देने वाले खेत के मूलिया कौन होते हैं। उमर का मालिक अल्लाह ताला, हयाती किसकी कितनी है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मुझे अगर ये हफ्ता वक्त मिल जाए तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोई ख़ास उनवान आपके सामने YouTube के ज़रिए से या चैनल के ज़रिए से, अब्दुल वाहिद के चैनल के ज़रिए से आ जाऊं, या नहीं तो एक दो तीन जुमे का मौका दे दीजिए तो तब बात कर दूँ कि मौलाना सलमान नदवी दामत बरकात तो भी कहने के लिए दिल नहीं चाहता, जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं।
हमारे नबी की निस्बत से हम सहाबा से इतनी मोहब्बत करते हैं। रब्बे काबा की कसम, यह जुमला दिल की तख्तियों में बिठा लो, मुनकिरीन सहाबा गुस्ताखान सहाबा के कान तक इस बात को पहुंचा दो, नबी की निस्बत से हम सहाबा किराम से इतनी मोहब्बत करते हैं, सहाबा के घर के कुत्ते से जो प्यार है वो प्यार का 1% हम उसे भी नहीं करते जो सहाबा में किसी के साथ गुस्ताखी करता है। एक कौन, अरे बोलना है तो डंके की चोट में मौलाना सलमान को योगी के बारे में बोले, हिम्मत है? मोदी के बारे में बोले, हिम्मत है? मैं लिख कर देता हूं, जिस वक्त मोदी और योगी की हकीकत का पर्दा सलमान नदवी फाश करेंगे जान को नुकसान होगा। वही सलमान नदवी को सुन लेना चाहिए, जब एक मोदी और योगी के खिलाफ बोलोगे जान की खतरे की बात सामने आती है। और आपके जमाने भर का इल्म कहाँ गया, जब सहाबी के बारे में बोलते हैं ईमान को खतरा नहीं, ईमान बड़ी चीज है कि जान बड़ी चीज, ईमान बड़ी चीज। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं, प्यारो जब जान पर मुसीबत आ जाए माल कुर्बान कर दो, जान बचा लो, जान पाए तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए। जान पर आफत आ गई, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और आपको खुदा न खास्ता, किसी को खुदा न खास्ता एक ऐसी बीमारी लाहिक हो गई जिसके एक इंजेक्शन की कीमत 10 करोड़ रुपये है, 10 करोड़ रुपये अपनी दौलत को कुर्बान करके वो इंजेक्शन डालकर अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करो। ये फरमाने अली रजी अल्लाह ताला अनु है। जिंदगी बाकी तो ऐसे 110 करोड़ कमा सकते हैं, जान के सामने माल की कोई कीमत नहीं, माल की कोई अहमियत नहीं, माल की कोई वक़ात नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं, जान पर मुसीबत आ जाए माल कुर्बान करो, जान की हिफाजत करो, अगर ईमान पर मुसीबत आ जाए तो वो जान भी कुर्बान कर दो, ईमान की हिफाजत करो। साहबा है साहबा, हमारे जैसे टीस्पून के अंदर रहने वाले पानी की कीमत से भी कम है हमारे पास इल्म। हमने हमारे वक्त के असातजा से इल्म को हासिल किया, सहाबाए किराम ने तो खुद डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया। उनके बारे में कोई तबसरा ना हो, उनके बारे में कोई बहस ना हो, उनके बारे में कोई मुनाजरा ना हो, जानते हो पूरे शिया बिरादरी में एक हाफिज नहीं है, इसलिए कि कुरान अमानतन सहाबा के पास पहुंचा, वो सहाबा के साथ गुस्ताखी करे अल्लाह ने उनके सीनों से कुरान को ख़त्म कर दिया। और मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, मेरी ज़ुबान सख्त है मेरे प्यारों, लेकिन गलत हो तो तराश देना, मुझे यकीन नहीं है, एक डाउट है कि शायद सलमान नदवी साहब का कुरान भी भूला गया हो, क्योंकि सहाबा के शान में गुस्ताखी करने वालों के सीनों में कुरान नहीं रहता। ज़ियाउर रहमान फारूकी ने पाकिस्तान के स्टेज में खड़कर सीना ठोक कर कहा, इस पूरे मुल्क में क्या सारी दुनिया में एक शिया हाफिज है तो पेश कर दो। शियाओं को वो चैलेंज बेखरार कर दिया। क्यों? हजरत मुआविया की फजीलतें बयान कर दे, सामने वाला इनकार कर सकता है। हजरत आयशा के फजाइल को पेश कर दे, सामने वाला इनकार कर सकता है। अबू बकर के फजाइल को इनकार कर दे, सामने वाला इनकार कर सकता है। अरे एक इकरार एक इनकार होती है बहस में, लेकिन ये ऐसा चैलेंज था मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी, शहीद इस्लाम का, एक हाफिज कुरान हो तो पेश कर दे। एक पाकिस्तान में नहीं,
सारी दुनिया के अंदर एक शिया कुरान का हाफिज नहीं। अब ये चैलेंज इनको इतना बेकरार कर दिया, इतना बेकरार कर दिया, बच्चों को कुरान याद करने के लिए बिठा दिया, उन आयात को याद करने के लिए बिठा दिया कम से कम जिन आयात पर सबका इत्तेफाक है, तब भी याद ना हो सका। एक सुन्नी हाफिज कुरान को दौलत का लालच देकर खरीदा गया कि भाई सिर्फ तावा पेश करने के लिए, दलील पेश करने के हद तक तू हाफिज कुरान है, जय्यद हाफिज कुरान है, मुजव्विद हाफिज कुरान है, बेहतरीन हाफिज कुरान है, एक बैठक में कुरान पाक तू पढ़कर सुना सकता है, हम तुझे इतने करोड़ रुपए, उस जमाने में करोड़ की बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक रुपया एक आना दो आना से दौलत शुरू होती है, लखपति पर बात खत्म हो जाती थी, करोड़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऐसे वक्त में किसी शिया ने एक सुन्नी हाफिज कुरान को, जो मुजव्विद था, पक्का हाफिज कुरान था, एक बैठक में कुरान पाक सुना सकता था, उसे पैसों की लालच, क्योंकि दौलत है ना साहब। मेरे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाही अलैह अपने किताबे बेमिसाल में फरमाया कि लोगों, औरत को देखकर उतना जल्दी एक मर्द पिसलता नहीं जितना कि दौलत को देखकर पिसल जाता है। औरत से भी ज्यादा खराब है दौलत। अगर मुझे आपके मेंटालिटी और आपके सोच का ख्याल ना होता तो एक बात कहता, चलो कह देता हूँ, औरत का मज़ा तो 10-15 मिनट का होता है, दौलत का नशा तो पूरा 24 घंटा सवार रहता है। फारिग हो जाता है, औरत से फारिग हो जाता है 10-15-20-25 मिनट पर, आधे घंटे पे फारिग हो जाता है आदिल साहब, लेकिन दौलत का नशा इतना ख़राब हो जाता है, सब कुछ भुला देता है। औरत का नशा किसी को भूलने नहीं देता, सिर्फ इश्क के साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन दौलत का नशा रिश्ते क्या भुला देता है, अदब अखलाक भी भुला देता है, ईमान को भी उठाकर फेंक देता है। इसीलिए दौलत से बचना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही खतरा पेश किया, मुझे मेरी उम्मत पर शिर्क का उतना खतरा नहीं है जितना खतरा मुझे मेरी उम्मत पर दौलत का है। ये इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वाले कौन? दौलत के पुजारी। शरीयत को पामाल करने वाले कौन? यही दौलत के मां पेट भूखे। नबी की सुन्नतों का जनाजा उठाने वाले जितने लोग हैं घरों से लेकर रास्तों तक, ये कौन लोग हैं? दौलत के पुजारी हैं, दौलत के पुजारी। मोहब्बतों का दावा जो करते हैं, इनके बीच में दौलत का रिश्ता होता है। दो मोहब्बत करने वालों के बीच से अगर दौलत निकल जाए फिर भी मोहब्बत बाकी रही, उनकी मोहब्बत पर खुदा नाज करता है। अगर दौलत निकलने के बाद अकरम साहब, वही मोहब्बत दुश्मनी से बदल जाती है, समझो कि इनके मोहब्बत का ताल्लुक दौलत से था, वजूद से नहीं। लेकिन अजीब हैं, अरे हम भी तुम्हारे ही ज़माने के हैं। इस बात पर तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह सकता हूँ कि जिस दौर में तुम हो उसी दौर में हम हैं, जो तकाजे तुम्हारे साथ हैं वो तकाजे हमारे साथ भी हैं, जो ख्वाहिशात तुम्हारे हैं वो ख्वाहिशात हमारे भी हैं। मुझे आज तक दौलत की हिर्स का फ़लसफ़ा समझ में नहीं आया। मैं भी दौलत को चाहता हूँ, दौलत को कौन नहीं चाहते मेरे दोस्तों? इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, बात जहाँ तक जाएगी उन तमाम से पूछता हूँ, कोई ऐसा आदमी भी है जिसके सामने हलाल के पैसे 1 लाख रुपये आ जाए, नहीं मुझे नहीं चाहिए? कोई बोलने वाला है मुत्तकी? हलाल के, हराम के नहीं, हलाल के। दौलत भी अल्लाह तबारक व तआला की एक नियमत है, नियमत है। पैसा भी नियमत है, सोना चांदी नियमत है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तिजारत में लगे हुए थे तो फरिश्तों ने कह दिया, अरे अल्लाह ये फरिश्ते भी बड़े अजीब हैं, क्योंकि सजदा कराया ना उनसे। अय्यूब आजकल बिजनेस के पीछे पड़े हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं मेरे मलाइका, तिजारत तो ये मेरा हुक्म है, लेकिन तिजारत उनके बाहर है, उनके अंदर नहीं है।
हज़रत एलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को समझाया कि दौलत से भी मोहब्बत करो, दुनिया से भी मोहब्बत करो, लेकिन इतनी ही मोहब्बत करो जितनी कश्ती की समंदर से मोहब्बत होती है और ताल्लुक़ होती है, कि अपनी ज़िंदगी से पानी को, समंदर को, दरिया को बाहर ही रखो, तुम्हारा सफ़र मंजिल तक पहुँचेगा। अंदर लाने की कोशिश न करो, जहाँ है वहीं गर्क हो जाओगे। कश्ती के बाहर अगर पानी रहा तो कश्ती मंजिल तक पहुंचती है, इंडिया से निकली मंगलूर से तो अमेरिका तक पहुंचती है। वही पानी अगर कश्ती के अंदर आ जाए कहाँ जाती? मैसूर कब्रिस्तान। मैसूर में क्या समंदर है क्या जी? ऐसे मालूम होता है कि आप हनीमून को मैसूर नहीं गए हैं। बाहर हो, अल्लाह दौलत दे, जरूरतें मेरी पूरी हो जाए, बस इसीलिए अल्लाह ताला से ज़रूरतों की तकमील पूछना, जैसा कि मैंने दो तीन जुमा पहले वाकया पेश किया था, ज़रूरतों की तकमील पूछो। दौलत हो, इस ज़माने की जितनी ज़रूरत है उस ज़माने की वो ज़रूरत है, ज़रूरत है। अल्लाह मुझे 50 रुपये दे, ये तख्वा नहीं, 5 लाख दे, ये भी तख्वा कि इस ज़माने में 50 रुपये से मसले हल नहीं होंगे, 5 लाख से मसले हल होंगे। 100 रुपये मिल गया तो मैं खुश हजरत घुगू। फिर पूरी जिंदगी जोरू रोते थे ना, अल्लाह क्या किस्मत बनाया रहे तू, फकीर के साथ जोड़ को रखा रहे तू, पैसा पूछा मैं कितना कमातूंगी उतना दे सकती हूँ, 102 रुपये दे रहा रोजाना जो रुकू वो भी नहीं दे रहा। औरतों को पैसे नहीं देना कहते कि तो बिगड़ जाती, कहते इन्हें क्या कि सुधर को पीरा ने पीर का चिच्चा का बेटा। दौलत मर्द के हाथ में आई तो भी खतरा है, दौलत औरत के हाथ में आई तो भी खतरा है। इस्तेमाल अगर करेंगे तो फिर मेरे दोस्तों वो दौलत खतरा नहीं है, खतरा नहीं है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तिजारत में ज्यादा ही मसरूफ हो गए, फरिश्तों ने कह दिया इलाहा अलमीन ये कैसा नबी है, नबुवत छोड़ कर तिजारत में मसरूफ है। अल्लाह का एक उसूल है कि जब बंदे उसको चाहते हैं, अल्लाह ताला कभी बंदों को किसी भी माहौल में जलील और रुस्वा नहीं करते। बात दिल की हो जमाना न समझे, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अल्लाह ने कह दिया कि ओ मलाइका अब तो मेरा बंदा अय्यूब मेहनत करके दौलत कमा रहा है, अगर इस पर दौलत की भी बारिश हो जाए उसका दिल मेरे से गाफिल हो नहीं सकता। बारिश भी होगी तो हाँ, तजुर्बा करके देखो। अल्लाह ने सोने की टिड्डियों की बारिश बरसाया हजरत अय्यूब पर। सोने बोले तो समझ में नहीं आता, सुनना दब्बा को बोलना की कहते 916 ना। सोने की टिड्डियों की बारिश बरसाया अल्लाह ताला। अब देखे तो अजीब मामला कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पूरे टिड्डियां जमा कर रहे, समेट रहे। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह आप तो आलिमुल गैबी व शहादा हैं, हमारी हुज्जत देखिए, दौलत बहुत मोहब्बत है इनको। सभी बारिश पड़ी तो अंदर जाको छपते, इनू बारिश पड़े तो बाहर ही छिंकी, तो सोने की बारिश है ना। अल्लाह ने कहा इन्नी आलमु माला तालमुन, हम जानते तुम नहीं जानते। ये समेट रहा है क्यों पूछो? एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में जाकर ओ अय्यूब अलैहिस्सलाम दौलत की मोहब्बत समेट रहे,
अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया कि भाई दौलत नहीं जमा कर रहा हूँ, अल्लाह की बेहतरीन रहमत बारिश बरस रही है, मैं इसलिए जमा कर रहा हूँ कि इस पर किसी के ख़दम न पड़ जाए। मसला भी हल हो गया, दौलत भी मिल गई, जवाब भी दे दिए। जैसा एक गरीब बादशाह के पास गया, जाने से पहले सोचा क्या लेको जाना बादशाह को बोल कर रहे, चलो तालाब में हमारे गांव की मछली शिकार कर को बादशाह को लेको जाएंगे। ज़बरदस्त एक मछली शिकार करया, मछली हमने तो आता नहीं ना शिकार करने, कितने तालाब आई कि वो पूरे अक्वेर हो गई, हमें टैंक में मछली डाल को हमें पकड़ना सब क्या हुआ, हमें टैंक में डाल को हमें पकड़ना सब, पहले से भी समझदार हो, वो भी एक फन, मच्छी पकड़ना भी एक फन। मैं भी एक गांव गया था, मंजे भी दे डाले गल, एक घंटा बैठा एक मच्छी भी अटकी नहीं, बाजू वाले दाल रही अटक रही है, वो क्या कि मालूम हो जाता कहते उनको, लाइन नहीं ना साहब, जिस लाइन का जो आदमी होता है वो अपने लाइन में माहिर होता है, हर लाइन के हम माहिर हो सवाल ही पैदा नहीं होता। मामू को बेहतरीन पलंगा सोफे नालियां बनाना आता है, मुझे नहीं आता, क्या हजरत इतना पड़ी नाली बनाने नहीं आता, इन्हों नहीं बोल सकते। अकरम को ऑटो चलाना आता है, क्या हजरत ऑटो चलाना, इतनी पड़ी कौम को संभाल रही, तुम्हें ऑटो एक एक लाइन क्या, ये कॉलेज के स्कूल के बच्चे जो रहते हैं देखो बड़े शरीरा होते हैं, मदरसे के बच्चे भी शरीरा, लेकिन उनकी शरारत ख़त्म हो जाती है स्कूल मदरसे से निकलने से पहले ख़त्म हो जाती, लेकिन कॉलेज स्कूल के जो बच्चे रहते हैं उनकी शरारत जारी रहती, मदरसे के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह शरारत करते हैं, हमारी शरारत से किसी को नुकसान नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें आपस में शरारतें कर लेते। एक जहाज़ में बैठे कुछ स्कूल के कॉलेज के बच्चे, जहाज़ चलाने वाला जहाज़ चला लेकर था, अब उसे पूछे ओ भाई नहू मालूम आपको, ग्रामर मालूम अरबी का ग्रामर मालूम, नहीं मालूम, सर्फ मालूम सर्फ अरबी का ग्रामर, नहीं मालूम, फिका मालूम, नहीं मालूम, फाइल को रफा मिलता कि नसब मिलता, नहीं मालूम, आधी जिंदगी गारत होगी, बालां सफ़ेद होगी, नहूं नहीं मालूम सरफ नहीं मालूम। कश्ती चलाने वाले को गुस्सा आया, टिकट लिया बैठिया, मंजिल आई तो उतरना, मेरी जिंदगी को कहीं को खुजाता ही नहीं, बीच में गया जर्रा कश्ती को हलाया, बोलको छोकरा दंगो पूछा पटांगो तीर राजा, नहीं आता, मेरी तो आधी गई तुम्हारी तो पूरी गई, मेरी तो आधी गई, नहू नहीं पढ़िया आधी जिंदगी गई, सर्फ नहीं पढ़ा आधी जिंदगी गई, फिको फिका के उसूल नहीं पढ़ा आधी जिंदगी गई, तीरना नहीं आ रहा है पूरी गई। एक एक आदमी एक एक लाइन का माहिर होता है, अपना मच्छी पकड़ना नहीं आया तो वो एक कोसे की गाँव में याद भी नहीं आ रहा, रोजाना सफर में रहता हूँ ना तो कोसे की गाँव में पकड़ा कौन की पकड़ लिया फोटो, कितने जने फोन करे मच्छी मिली क्या हजरत, मैं बोला 2000 में मिल गई वाह की कहते तो मेरी शादी हुई से 2000 में मच्छी मिली क्या, मिल गई वाह अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई वाह। अब देहाती क्या किया, एक मछली पकड़ा, चलो बादशाह के पास जाकर हम हमारे तरफ से ये तोहफा देंगे, मछली ले लेकर अपने गाँव के मुताबिक प्याक कर लेकर, गाँव की ज़िंदगी सादी सीधी होती है, समझ में आई बात है, गाँव की ज़िंदगी बड़ी सादी सीधी होती है, बड़ी मासूम ज़िंदगी होती है, बड़ी पाक जिंदगियां होती हैं गाँव की, लेकिन आजकल के गावा नहीं, आजकल के गावा नहीं, वो बीड़ी दी भी अमेरिका के लेवल में है अब,
एक ज़माने में बीड़ी दी कंगेरी भाई कौन भी बैठे रहे तो गर्म होने को मिसाल बोल रहा हूँ स्वामी। चलो हमारे गाँव को ले लो तुम वाला जा अमेरिका। जो टेक्नोलॉजी अमेरिका में वो टेक्नोलॉजी हर करिए में है। पहले ज़माने में शहरों की जिंदगियाँ अलग, खरियों की जिंदगियाँ अलग। शहरों के मुकाबले में खरियों की जिंदगियां बड़ी पाकीज़ा होती है हर एतबार से, तबीयत से, माहौल से, आबो हवा से, फिजा से, अखलाक से, तमीज़ से, तहजीब से, अदब से। इसीलिए अल्लाह ने मेरे नबी को शहर में फारिस और रूम में पैदा नहीं किया, उम्मुल खुरा मक्के में पैदा किया। पाक नबी है, पैदा हो तो पाक माहौल में। जाहिरी मक्के का माहौल बड़ा पाक था, बातिनी मक्के का माहौल बड़ा खराब था। और पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया के दुनिया में आने का पहला मकसद बातिनी माहौल को साजगार बनाना है, लगे हाथ जाहिरी माहौल को भी साजगार बनाना है। असल मकसद बातिनी माहौल को साजगार बनाना, अंबिया का मकसद। खरिये वाले बड़े अच्छे, हाथ के खरिये वाले नहीं, हाथ के खरिये वाले भी वही हैं। एक गांव को गया था बयान करदल को, गांव के अंदर ही वो गांव में बयान कराया, ये गांव के ये किनारे में बयान था मदरसा, बयान करदल कर वहीं रात मुझे टिकना था, ख़याम का इधर था। उतनी रात को वहाँ से आ रहा हूँ तो उतनी रात को शोर शराबा चल रहा है, वो भी हमारे मुसलमान जैसे शहरों में शोर शराबा होता है। पहले ज़माने के गांव वाले ने एक मछली को अपने गांव के माहौल के मुताबिक क्या किया, पैक किया, सीधा बादशाह के पास लेकर आया। खुश हुआ बादशाह, मेरी मछली कबूल करो, कोई इरादा नहीं, बदले में क्या देगा बोल करो। इसे बोलते खलूस, इसे बोलते खलूस। तोहफ़ा देते वक्त ये इरादा नहीं करना कि उनकी तरफ से भी मुझे कोई तोहफ़ा मिलेगा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को कि हज़रत ने अग़लातुल अवाम एक किताब लिखी है, उसमें उम्मत में फैलने वाले और पलने वाले अग़लात को, गलतियों को जमा किया है। हज़रत ने तकवे की इंतहा कर दी। शादियों में जो तोहफ़ा देते ना, उस वक़्त भी नीयत रहना कि मेरी तरफ से ये तोहफ़ा है, ये नीयत नहीं रहना कि मेरे घर में या मेरी शादी होगी तो बदले में कुछ आएगा। हज़रत ने साफ कहा है कि ये तसव्वुर भी सूद में दाखिल है। मैं कब्र में 1000 रुपये डाल को अकरम को दिया तोहफे में उनकी बेटी की शादी को। मैं सोचता हूँ मेरी बेटी की शादी कब है, 2025 को है, उन्हें कम से कम 1500 रुपये भी देता। ख़त्म, तोहफा नहीं रहा, सूद हो गया, सूदी लेन देन हो गया, कारोबार हो गया। बहुत मसले हैं मेरे दोस्तों, आसान नहीं है मुसलमान होना। ये शहादत गोहे उल्फत में कदम रखना है। आजकल तो हर जगह कहीं ना कहीं बात आ जाती है 15 रुपये के टोपी को हमें इस्लाम समझ रहे हैं। हद से ज्यादा जाहिल मत बनो। मक्के और मदीने के सफ़र को हम पूरा इस्लाम समझ रहे हैं, गलती पर मत रहो। इस्लाम ही अलग चीज़ है, इस्लाम ही अलग चीज़ है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को एक पादरी आकर कहता है, हज़रत दिल तो चाहता है कि मुसलमान हो जाऊं, लेकिन तुम्हारी कौम के लोगों को देखता हूं तो दिल कहता है ऐसा मुसलमान होने से ना होना बेहतर है। और जब तुम्हारी तालीमात सुनता हूँ तो दिल में ये इरादा होता है इतनी सख्तियों पर और इतनी पाबंदियों पर अमल मेरा हो नहीं सकता। गरचे के आधा जुमला सही उसका, आधा जुमला गलत है उसका। अगर अमल करना चाहे तो इंसान अमल कर सकता है। कोई इस्लाम का कानून हमारी ताकत से बाहर नहीं है। हम मुश्किल समझते हैं इस्लाम के आमाल को, हम मुश्किल समझते हैं इस्लाम के कवानीन को। अमल करके देखो मेरे दोस्तों, रब्बे काबा की कसम, हर अमल तबीयत के मुताबिक है, हर अमल हमारी सहूलत के मुताबिक है, और हर अमल हमारे ताकत के मुताबिक है। अमल करके देखो।
आज भी हैं अमल करने वाले अल्लाह के बंदे, तोहफा दिए तो वहां से क्या मिलता, ये तसव्वुर नहीं रहना। ये औरत में बड़ी बात है, देख गया हमें 1000 रुपये रखे कोने हला ले को 200 रुपये रख लगाई है। तो बात बिजनेस से तोहफे में किसी किस्म का कोई तसव्वुर ना हो। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें पेश कर दो, उसकी मोहब्बत उन्हें पेश करेगा, बस हो गया किस्सा खत्म। चल रहा नहीं चल रहा आजकल कानून, और लेने वालों के भी नखरे बहुत ज्यादा हो गए। बड़ो कवर किसका हैगी, आगा रे मेरा पठा, छोटा कवर, शुक्रिया भी आए सो खत्म। अरे चला नहीं चल रहा है, वही अल्लाह के पास भी चलता है। बड़ा अमल जिसके पास होता अल्लाह भी कहता आ गया मेरा बंदा, अमल ही नहीं है। जानते हो सब भी मुसलमान अपना हजरत अल्लाह ऐसा कहीं को वैसा कहीं को देखता, अल्लाह के पास अमल देखा जाता है। दाढ़ी मुंडा को गए तो भी अल्लाह इस्तकबाल करना क्या, नमाज छोड़ कर गए तो भी अल्लाह इस्तकबाल करना क्या, हराम खा को गए तो भी अल्लाह इस्तकबाल करना क्या, हराम कर को खाए तो भी अल्लाह इस्तकबाल करना क्या। नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह फरमाते हैं तो काला की गोरा की गिड्डा की ऊंचा की मोटा की दुबला की शहर वाला की खरिये वाला की मदीने वाला की बेंगलुरु वाला की अमल है हमारे निगाहों का अजीज है। अमल है अजीज है, उसके निगाहों में अजीज बनने की कोशिश करो, इज्जत उससे मांगो, उसके निगाहों में महबूब बनो। बहुत चाहते सब महबूब सबको लोगा, बंदों के चाहनों से क्या होगा। मेरे शेख इसी चीज को एक उन्वान से पेश करते हैं, आरस मालूम आरस, अरे नहीं मालूम, अरे मेकअप की पुतली आरस, शादी महल में कुर्सी में बिठा को रखते हैं उसे, बिठा को नहीं अब तो खड़ा को रखते सो, शादी महल में कुर्सी में बिठा देते पहले जमाने में। उससे पहले जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनको मालूम कि अंदर की कोठरी में कोने में बिठा को रखते थे, अब फिरौन की अम्मा खड़ी है, अरे गहरे सब आ रहे हैं, लक को खड़ते साहब ऐसा लगकर आरस से लगो जी जरा, तुम्हें आरस क्या ऐसा लक को खड़ते साहब ला हौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उन्हें मर्द बना, उन्हें नौशो बनकर खड़ा है ना बाजू। दस में से 9 खत्म होंगे, दौर वो है मेरे दोस्तों, जालिम की ताकत से नहीं हमारी बदआमाली से। ये जुमला याद रखना, मैं जिंदा रहूं कि मर जाऊं वो वक्त आने वाला है। आज तो सिर्फ ट्रेनों में शूट किया जा रहा है, ये तो सफर की बात है, घर घुसकर मारा जाएगा। अगर हमारे पास ईमान शर्म हया नमाज रोजा जकात तकवा तारत अदब अखलाक ना हो, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी ना हो, ट्रेनों में बसों में नहीं घर घुसकर मारा जाए। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्तों, ये तकबीर लगाने वाले नारे लगाने वाले और आवाज पे आवाज लगाने वाले कुछ भी कर नहीं सकते, सिर्फ ये फिल्म देखने की तरह बैठकर देखेंगे, जाने जाती रहेगी, इज्जतें बर्बाद होती रहेगी। या तो उनके साथ मिलकर तानिया मारना पड़ेगा या नहीं तो अपनी जान की हिफाजत के लिए खामोश बैठना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे तो वो वक्त आने वाला है, ये मेरा जुमला नहीं नबी की फरमान का इशारा है।
काए काए, दीवाना कुत्ता चाटा है दिमागों को। हालात नहीं बदलेंगे जब तक हम नहीं बदलेंगे। दुश्मन क्या मस्जिदों की तौहीन करता है, आज खुद मुसलमान मस्जिदों की तौहीन करता है। दुश्मन क्या उलमा का मुखालिफ है, आज हमारे पीछे नमाज पढ़ने वाले, हमारे मेरे नहीं, मेरे आपके नहीं बोल रहा हूँ, आम बात, हमारे पीछे नमाज पढ़ने वाले दाढ़ी मुंडवे शराबियाँ हराम खोर उलमा के खिलाफ पड़े हुए हैं। किसका रोना रोए, किसका रोना रोए? अकलमंदरा इशारा, बदलो 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 प्यारो बदलो। जिनके पास जायज जो ताकतें हैं वो ताकतों के मुतालिक आवाज उठाओ। ट्रेन में तीन मुसलमान भाइयों को शहीद कर दिया गया, पूरे मुल्क से क्या हुआ? बोलो साहब, कितने नहीं लीडर हैं, काउंसलर तो गली से बाहर निकल नहीं सकते, एमएलए तो बड़ा आदमी होता है, कितने मुसलमान एमएलए से क्या आवाज उठाए? एमपीस में वो एक अल्लाह का बंदा है, कभी मैं उसकी अच्छाइयों पर बात करूं, कभी उसके गलत फैसलों पर बात करूं, जाती मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। अल्लाह के घर में जुमे के मौके पे बैठ कर कहता हूं, इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में मेरा शायद कोई गिरेबान पकड़े तो पकड़े, मैं किसी का गिरेबान नहीं पकड़ूंगा। मैं सबसे मोहब्बत करता हूं, मुजाहिद से गलती हो गई तो मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसलाह करूँ, महबूब से गलती हो जाए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसलाह करूँ। एक दो चार हैं जिसमें से एक ओवैसी है, उसने आवाज उठाई डंकी की चोट में, कुछ कहा, बकिया क्या मुंह में लालीपॉप रखे? यही ये तीन इंसानों का हशर सिख भाइयों के बीच में होता, आज मुल्क का हाल क्या होता? यही तीन भाइयों का हाल अगर दलित भाइयों के बीच में होता, इस मुल्क में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, दलित भी है, फुला भी है, फुला भी है। हिंदुस्तान का एक चैनल में एक औरत कहती है, भड़काऊ बयान है, तबसरा है, एक हादिसा है, इसलिए कि वो दिमागी तवाजुन खो बैठा है। बच्चे जनते वक्त अकल कहां से आ जाती है, मारते वक्त अकल चले जाती है। मारना ही था तो गेट में घुसने के बाद जो नजर आता मार देते, तो उसकी अकलमंदी और उसकी बेवकूफ़ी को हम भी तस्लीम करते। चुनकर मार रहा है कि दाढ़ी किसके चेहरे पर है, और दाढ़ी तो सिख भाइयों के चेहरे में भी होती है, दाढ़ी के साथ मुसलमानों के चेहरों में इस्लाम का एक नूर होता है, वो तो सबको नजर आता है, वो चुनकर मार रहा है। और हुकूमत का ये डिक्लेरेशन आता है कि दिमाग खराब है, वाह साहब यही दिमाग खराब वाले हमारी कौम में भी हैं साहब, अगर हमने हमारे खराब दिमाग का इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर मुल्क का क्या होगा? बात सही है गलत है? पागल होना किसी मजहब की अलामत तो नहीं है ना हाजी साहब, तवज्जो से आता हूं, पागल होना किसी मजहब की अलामत तो नहीं है ना। मुसलमानों में भी पागल हैं, हिंदुओं में भी पागल हैं, सिखों में भी पागल हैं, ईसाइयों में भी पागल हैं, दलितों में भी पागल हैं, हिंदुस्तान में भी पागल हैं, अफगानिस्तान में पागल हैं, अमरीका में पागल हैं, और ऑस्ट्रेलिया में पागल हैं, चाइना में पागल हैं, जर्मन में पागल हैं, बल्कि मैंने क्या कहते हैं दिमाग से माजूर बच्चों को मक्के में भी देखा है, दिमाग से माजूर बच्चों को मदीने में भी मैंने देखा है, नौजवानों में भी देखा है। वो पागलपन किसी मजहब का कासा तो नहीं होता, वो किसी डिपार्टमेंट का कासा तो नहीं होता, वो पागल हमारी भी कौम में है। क्या हमारे अपने जुनून का हम भी इस्तेमाल करें?
बोलो साहब हम भी हमारे जुनून का इस्तेमाल करें। फिर उस पागल को कहो कि माँ को बीवी समझकर बिस्तर पे सुला ले। पागल है ना साहब। लेकिन मुल्क के अंदर मुसलमान बेयारो मददगार है। सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कोई मुइनो मददगार नहीं। ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम इधर और उधर माँ और बाप की तरफ से जितना कोई बच्चा यतीम होता है उससे ज्यादा तुम यतीम हो। कान पकड़ता हूं मेरे जुमले को, मुझे माफ कर दो, मांग लो मेरे हाथ से इस्तीफा, मैं दे दूं। मुसलमानों, तुमको अड्डों की औरतों की तरह इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन तुम्हें हक नहीं दिया जाता। इसलिए यह की रास्ता है, किसी इंसान और मखलूक का दामन नहीं, अल्लाह का दामन थामो, अल्लाह का दामन थामो, उसे राजी करो, उसे राजी करो, वरना वक्ती खुशियां तो मिल जाएगी, बाद में हमारी जिंदगी के साथ हमारी नस्लें हर लम्हा पे मौत मरती रहेगी। हर लम्हा बेमौत मरती रहेगी। कोई नहीं है हमारा, हमारा सिर्फ हमारा अल्लाह है, हमारा नबी है, बस। कोई तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा, नहीं। हमने हमारे बड़ों से खोखले नारे सुने हैं, मेरी ताकत की ये इंतहा है मेरे दोस्तों, मैं मजलूम हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं सिर्फ आवाज़ लगा सकता हूँ, मेरी अपनी ताकत की ये मेरी इंतहा है, इससे आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं किसी तंजीम का सरदर नहीं हूँ, मैं किसी तहरीक का जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ, किसी भी इदारे का मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं इस मस्जिद का एक खादिम हूँ, मिंबर और मेहराब की खिदमत करने का मुझे एक मौका मिला है, बस इतनी ही मेरी ताकत है, मैं अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पलट कर नहीं देखता कि मेरी इस तकरीर के बाद मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी इस तकरीर के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। कसम अल्लाह की, मेरे कसम पर भरोसा रखो, अल्लाह मुझे ईमान की मौत अता फरमाए, कहते वक्त मैं पलट कर मेरे घर को नहीं देखता, लेकिन अब कोई नहीं है मेरे दोस्तों। सब अपने अपने कमरों में, अपने अपने इदारों में, एसीओ के कमरों में और एसीओ की कुर्सियों में और एसीओ के कारों में बैठ कर तो कह सकते हैं, लेकिन उम्मत का दर्द लेकर रोड में नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तुम्हारा दर्द लेकर बाहर कोई नहीं निकलेगा प्यारो, कोई नहीं है तुम्हारा। सब अपनी अपनी बड़ी बड़ी और दौलतों से मजबूत कुर्सियों पे जमे हुए हैं और छोटे छोटे चैनलों के माइक के सामने तो कुछ कह सकते हैं, और इनका कहना कौम को तो तसल्ली दे सकता है लेकिन अल्लाह को राजी नहीं कर सकता। कहीं कुरान खानी हुई उन तीन नौजवानों के नाम, ईसा ले सवाब हुआ कहीं? अपनी मौत कोई मरता है तो मस्जिदों में लेटर चल जाते हैं, फला साहब का इंतकाल हुआ, दुआए मगफिरत। आज भी तो ऐलान होना था पूरे हिंदुस्तान में उन तीन शहीदों के हक़ में दुआए मगफिरत हो, और जो पुलिस वाला शहीद हुआ है उसके लिए खिराज अकीदत हो। हो सकता था, नहीं हो सकता था? मैं चाहूँ तो नाम ले सकता हूँ, मेरे ईमान को तो कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरी जान को कोई नुकसान पहुँचा सकता है, डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेटर नहीं जा सकते थे उन शहीदों के ईसा अलैहि सवाब के लिए दुआए मगफिरत के लिए? मजम्मती बयानात तो आ सकते थे,
मुसलमान का खून आज पागल कुत्ता रास्ते में किसी गाड़ी के टायर पे आके मर जाता है, उसके खून की जो अहमियत नहीं होती, उससे भी गिरी हुई अहमियत से बाहर आज किसी का खून है तो महबूब वो मुसलमान का खून है। और यही वाकया किसी सच्चे मुसलमान पागल के हाथ से हो जाता तो फिर उसे पागल नहीं कहते, उसे जोड़ देते तंजीमों के साथ, उसे जोड़ देते तहरीकों के साथ, उसे जोड़ देते मुल्कों के साथ। मैं डंके की चोट में कहता हूँ, मोदी साहब उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, तुम्हारे हाथ से ये मुल्क चल नहीं सकता। मैं नहीं कहता कि तुम्हारी कुर्सी पे मैं बैठूँगा, तुम्हारी ही कौम के किसी ऐसे इंसान को बिठाओ जो पूरे मुल्क को अपना घर समझकर चला सके, पूरे मुल्क को अपना घर समझकर चला सके। कोई नहीं, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, नमाजों से अपना रिश्ता मजबूत करो, घरों से बाहर जानवरों की तरह बाहर मत निकलो, दुआएं पढ़कर निकलो। दुआएं जमानत है, तुम्हारे जान की हिफाजत की जमानत है, दुआ पढ़कर निकलो। कुरान पर यकीन है तो कुरान पढ़कर निकलो, आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलो, सफर की दुआ पढ़कर निकलो। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊजु बिका मिन शुरूरिहिम पढ़कर निकलो, और यासीन की आयत वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दा इला आखिरिल आया पढ़कर निकलो। सुबह के उठने के फौरन बाद, नमाज से फारिग होने के फौरन बाद दुआए अनस पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, गुरूब के वक़्त की दुआएं पढ़ो। أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق پڑھو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك العفو والعافية لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه یہ ایسی دعائیں ہیں جب تم پڑھتے हो कायनात का खालिक तुम्हारी हिफाजत के लिए फरिश्तों को तय कर देता है। पढ़कर निकलो, फिरौन भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे नबी की जमानत है इन दुआओं के बारे में, मेरे नबी का वादा है इन दुआओं के बारे में, अल्लाह का वादा है इन दुआओं के बारे में। घरों के अंदर दुआएं पढ़ो, और याद रखो सिर्फ दुआएं से काम नहीं चलेगा, नमाज के बाद दुआ पढ़ो। मौलाना ज़करिया वाला जाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेटे नमाज ग़िज़ा है, दुआएं दवा है, दवा असर उस वक्त करेगी जब पहले से ग़िज़ा अंदर हो। अगर आप नाश्ता न करें, सुबह की दवा खाओगे तो फिर वही दवा तुम्हारे लिए इन्फेक्शन हो जाएगा। दोपहर का खाने के बाद डॉक्टर कहता है खाने के बाद ये खाना, रात के खाने के बाद ये खाना। इबादत ग़िज़ा है, दुआएं दवा है। पहले ग़िज़ा का अहतमाम करो, साथ में दुआओं का अहतमाम करो। जैसे तबीयत सलामत रहती है, वैसे आपका ईमान और आपका जिस्म और आपका घर और आपकी दुकानें सलामत रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी बातें नहीं हैं, ये अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह के रसूल की बातें हैं। किसी पर भरोसा मत करो, कोई हुकूमत किसी की नहीं है मेरे दोस्तों। यही हमारे कर्नाटक के अंदर जिस हुकूमत को हमने हमारी मोहब्बतों से वहाँ तक पहुँचाया, सीएम का एक जुमला आया, अब मंजे बोल डालो जनता दल वाला बोल को, बोल डालो, बोल डालो, बोल ले क्या साहब, अल्लाह का शुक्र है 32 दांतों के बीच में जुबान है, फिर भी इतना बोल रही नहीं रहती तो अटैक कर डाले ना कांग्रेस को, नहीं बोल सकते थे, और कर्नाटक में बोल नहीं सकते थे। जो वाकया वहां हुआ वो वाकया यहां होने का सोचो भी मत। ये अब हमारी सरकार है, सीएम साहब बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? अरे मुंडी तो भी हलाव रहे बाबा, तुम्हारी तरफ कैमरा नहीं है, बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे?
डीसीएम बोल सकते थे कि नहीं दे सकते थे, सीएम से ज़्यादा सख्त डीसीएम बोलकर हमने सुना है। एक मरतबा मुलाकात नहीं हुई और शौक़ भी नहीं है। लीडरों से मुलाकात करने का क्या शर्फ होगा। रब्बे काबा की कसम, हमको हमारे अमीर शरीयत के साथ दो मिनट भी मिल जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी का फ़ायदा नज़र आ जाता है हमको। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बादशाहों के साथ कुर्सियों में बैठने से ज़्यादा फजीलत उलमा के साथ फटी हुई हसीर में बैठ जाओ। हद अवाम तो अवाम, खवास भी ख़ास लोग भी। लीडरों के साथ रगत, मेरा ताल्लुक उनके साथ है। ओ बाबा, जिब्रील के चिच्चा क्यों नो। हमारी दोस्ती अगर मुत्तकियों के साथ है तो फ़ख्र करो। अलमरु मा मन अहब्बा, नमाजियों के साथ दोस्ती है, फ़ख्र करो। शान से कहो, मेरी दोस्ती फला मस्जिद के इमाम साहब के साथ है, कारी साहब के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम में से हर एक अमीर शरीयत को जानता है और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि अमीर शरीयत भी मुझे जानते हैं। ये बोलो, फ़ख्र है, फ़ख्र है, फ़ख्र है। यहाँ फ़ख्र करने की आप मंजे उन्हें एमएलए जानता, वाह वाह, ऐसा मालूम हो रहा है इसकी जन्नत की टिकट उसके वो घुघू के हाथ में है। रहते हैं दुनिया में, नज़र जन्नत पर हो, हमारी नजात इसकी फिक्र करो, इसकी फिक्र करो, हमारी नजात की फिक्र करो। बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? तीन शहीदों के बारे में मुल्क के किस कोने, किस शहर, किस रियासत से कितनी आवाज़ें आई। इसलिए कोई नहीं मेरे दोस्तों, हमको हमारे अल्लाह के दरबार में हमारे अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना है। हमारे नबी से हमारा रिश्ता मजबूत करना है, सुन्नतों पर 100% अमल करना है, नमाज से, कुरान से, सुन्नत से अपनी ज़िंदगी को आरास्ता करना है। सादी सीधी ही नमाज, इन्ना अतैना खुलू अल्लाह अहद पढ़ लो। हाफिज़ नहीं बन सकते, नाजरा कुरान तो पढ़ लो। एक रकात में एक पारा नहीं और एक वक्त की नमाज में दो घंटे नहीं, 10 मिनट की नमाज ही पढ़ लो। मैं कहाँ से गया मुझे मालूम है, असाफ़ाती सफ़न, वो मछली का वाक़िया सब मेरे जहन में है, मैं भूलता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, याद है, मौका नहीं है। घड़ी को भी मंजे ऐसी है, उन्हें बीजेपी दिख रही है उन्हें घड़ी। भाई बहनों, वक्त आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। हम जहाँ के वहीं रह गए, हमारा उन्वान जहाँ के वहीं रह गया है। एक एक सुन्नत पर अमल करो प्यारो, तौबा करो, उन तीन शहीदों के बारे में दुआ करो। मुल्क के अमन व अमान के लिए कम से कम रोज़ाना एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर, एक मरतबा दुरूद पढ़कर मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआ करो। हमारी दुआओं से ही मुल्क बदलेगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और हमारी दुआओं से मुल्क कब बदलेगा? हमारी दुआओं से मुल्क कब बदलेगा? जब हमारे दुआओं में पावर आएगा। हमारी दुआओं में पावर कब आएगा? जब हमारी ज़िंदगी में अमल आएगा। इंशाल्लाह करेंगे अमल। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बकिया बातें इंशाल्लाह आइंदा जुमा आपकी खिदमत में रखूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पूरे मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतरीन बना दे। आमीन।